पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सरकार में मंत्री बने पलवल के विधायक गौरव गौतम के साथ, जो हरियाणा के सबसे युवा विधायकों में शुमार हैं। बातचीत करेंगे। गौतम जी, स्वागत है पंजाब केसरी में, और सबसे पहले शुभकामनाएं मंत्री बनने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे युवा विधायक हैं और विधायक बनते ही मंत्री भी बने, तो किस प्रकार से पलवल के क्षेत्र की स्पेसिफिक बात करूंगा, क्या आपके टारगेट्स रहेंगे लोगों के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हर वर्ग को, युवा, महिला, अनुभव, सबको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। युवाओं की आकांक्षा और उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को आने वाले 5 साल बाद देश और दुनिया के पटल पर अलग से उसकी पहचान बने, उसके लिए काम करेंगे। आपने तो पलवल में बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध लड़ा, चुनावी युद्ध। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। नकारात्मक राजनीति को नकारा है, सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाकर पलवल के लोगों ने, आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूजनीय जनता का, कि उन्होंने एक अच्छी राजनीति की शुरुआत अब होगी और सकारात्मक भावना से काम करेंगे। गौतम जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खुद आज आपको, जब आप कुर्सी पर बैठे वो खुद आए, उनके साथ गृह मंत्री रहे अनिल विज भी थे और कृष्णलाल पवार भी थे, तो निस्संदेह प्रोत्साहन भी मिलता है क्योंकि आप पहली बार मंत्री बने हैं। हमारे सीनियर नेता भी उनके साथ थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, एक उत्साह वर्धन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमें वो लोग हमारे बीच में आए थे यहाँ पर, और एक पदभार जैसे अपने रूम में उन संभालते हैं, ऐसे एक आशीर्वाद देकर गए। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य रूप से मौजूद रहे, आपके लिए यादगारी पल हैं? ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक दिन था। जिंदगी के पन्नों में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला दिन था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर हम सबको आशीर्वाद दिया और एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह बनाया है। धन्यवाद गौरव गौतम जी। तो ये हैं गौरव गौतम, पलवल से विधायक बने हैं, युवा मंत्री हैं, युवा विधायक हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।